पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में लगातार पिछले 60 घंटे से बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर अच्छा खासा प्रभावित दिख रहा है। सहारनपुर में चारों तरफ जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है, चाहे शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, चारों तरफ पानी ने अपना कहर बरपा रखा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के चिलकाना इलाके में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खेती की जमीन हुआ करती थी और हजारों बीघा जो जमीन है खेती की, वो फसल वो इस पानी में वो डूब चुकी है और डूब कर तबाह हो चुकी है। इसके अलावा इसी मार्ग पर एक छोटा पुल था, वो भी टूटकर पानी में बह गया है और ये बहुत ही डरावनी तस्वीरें हैं। दरअसल पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है उसकी वजह से हरियाणा में स्थित हथनीकुंड बैराज से रोजाना लाखों क्यूसेक पानी जो है वो यमुना के साथ साथ अन्य नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जो यमुना से सटे जो इलाके हैं वहाँ पर कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। बात करें अगर सहारनपुर के शहरी इलाके की, तो शहरी इलाकों में भी तस्वीरें कुछ इसी तरह की हैं। कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं, लोग जो है वो अपनी छतों पर चढ़े हुए हैं, SDRF की भी मदद वहाँ पर ली जा रही है और लोगों को रेस्क्यू वहाँ से किया जा रहा है। कई लोगों को धर्मशालाओं में भी पनाह दी गई है। लगातार बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ये पानी जो देख सकते हैं किस तरह से जल प्रलय करता हुआ यह आगे बढ़ रहा है और चिलकाना से होते हुए जो आसपास के जो अन्य कस्बे हैं सहारनपुर के यमुना से सटे, वहाँ पर भी इसका अच्छा खासा असर जो है वो देखने को मिल भी रहा है। इसके अलावा यही पानी अगले कुछ घंटों में देश की राजधानी दिल्ली तक मार करने वाला है, क्योंकि जब भी बरसात तेज होती है यमुना में पानी जब छोड़ा जाता है तो उसका जो पानी है वो सीधा यमुना के जरिए दिल्ली तक पहुंचता है। दिल्ली में भी इससे बाढ़ का खतरा बन जाता है। तमाम जो फसलें थी यहाँ पर, जो धान की फसलें थी या अन्य फसलें थी, वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं और पानी जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।